रावण की त्रास वाली आज्ञा सीता ही बहु त्रास हो जाई से छुटकारा तो त्रिष्टा ने दिला दिया। सपने बार लंका जा रही जात दान सेना सब मारी करा रोड नगन रसीसा मुंडित सिर खंडित बुझबीसा यही वे सो दक्षिण जाई लंका मनो विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब सब प्रभु सीता बोल पठाई। राक्षसी डर गई उन्होंने पाला बदल दिया जो डरा रही थी उन्होंने चरण पकड़ लिए। तास वचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरणन परी। यहाँ पर ना होगा त्रास तो समाप्त। जहाँ तक गई सकल तब सीता कर्मन सोच। अब सोच आ गया क्या सोच है कि मास दिवस बीते ही मोई मारे निश्चर पोच डरपोक के हाथ में हाथ जो के सट सुने हर आनस मोही वाला डरपोक के हाथों मेरा वध होगा एक महीने बाद। इससे बचने का उनके सामने उपाय अग्नि समाधि। त्रिष्टासन बोली करजोरी मात विपत संगिन तैमोरी। त्रिष्टा से हाथ जोड़ के बोली कि तू तो मेरी विपत्ति की सहायक है। तचव देख कर वेग उपाय दिशा भरा नहीं सही जाए। ये जरा वेग उपाय करके मैं देह तच पाऊं इसका इंतजाम कर दे। आन काठ रचिता बनाई लकड़ी ला के चिता बनाते मात अनल पुंदेह लगाई हे माता तू उसमें अग्नि लगा दे। सत्य करही मम प्रीत से आनी सुनई कुशवन सूल सम्मानी। तेरी जो मुझ में प्रीत है उसको सत्य कर दे। ये श्रवण में कानों में शूल के समान वाणी कौन सुने। पर वो त्रिष्ठा जिसने अभी अभी जो है सार्वजनिक प्रचार किया था कि तब प्रभु सीता बोल पठावा है ना लंका के नाश का लंका को जला जाना और तब प्रभु सीता बोल पठाई का जो उसने उद्घोष किया था तो उसका तो प्राण रक्षक बनना स्वाभाविक ही था अपने उद्घोष को ही सत्य करने के लिए। पर उर से प्रेरणा जो है वो रघुवंश विभूषण की भी थी। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण तो उसने कहा निस् न अनल मिल सुन सुकुमारी हे सुकुमारी रात में अग्नि कहाँ मिलेगी। असकई सोनिज भवन से दारी ऐसा कह के वो अपने घर चली गई। अब मैया ने अग्नि की खोज जो है शुरू कर दी। जो स्वयं प्रकृति है प्रति का मतलब क्रिएशन और प्रकृति मतलब बिफोर क्रिएशन तो वो स्वयं कृति हैं उद्भव का कारण है। उद्भव मीन्स क्रिएशन तो जनरेशन स्थित मीन्स मेंटेनेंस या ऑपरेशन चलाने वाले एंड संहार कारणी मीन्स डिस्ट्रॉयर। तो वो खुद ही जब गॉड का कारण है जनरेशन ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन का कारण है उसी की कर्ता है तो प्रकृति से अग्नि मांगने लगी। कह सीता विदभा प्रतिकूला ये तो विधि मतलब ब्रह्मा तो प्रतिकूल हो गए मिलई न पावक मिटई न सूला न अग्नि मिलेगी न शूल मिटेगा। तो दिखियत प्रकट गगन अंगारा आसमान में तारे देखे अवन आवत एक उतारा हे तारे तू ही पृथ्वी पे आ जाना तेरी अग्नि से काम चला लूंगी। पावक में सस्रवत न आगी पावक में है चंद्रमा यही आग टपका दे अग्नि नहीं बरसाता। मानो मोय जान हतभागी क्योंकि मैं हतभाग हूं ऐसा समझ के ये अग्नि की आवश्यकता मेरी पूरी नहीं कर रहा। सुनो विनय मम बिटप अशोका अशोक के ऊपर बोल पड़ी
कि सत्य नाम कर हर मम शोका, तेरा नाम ही जो है अशोक है, तो मेरा शोक हर लेना। हे अशोक मेरी विनय सुन, मेरा शोक हर ले, अपना नाम सत्य कर दे। कैसे कि नूतन किसलय नए पत्ते, अनल समाना अग्नि समान है, दे अग्निजन करे निदाना, अग्नि दे दे जिससे कि मेरी समस्या का निदान हो जाए। तो देख परम विरहाकुल सीता, सोचन कपई कलप संबीता। इस परम विरहाकुल स्थिति में अग्नि समाधि चाहती हुई सीता को देखकर हनुमान जी एक कल्प में जितना दुखी हुआ जा सकता है वो सब उसी क्षण में हो गए। तो कपिकर हृदय विचार, हृदय से विचारा, दीन मुद्रिका डार तब, और मुद्रिका डाल दी। तो जन अशोक अंगार, सीता ने सोचा कि अशोक ने अंगारा दे दिया, तो दीन हरस उठ कर गए। तो यहां पे देखिए पहली बार शब्द हर्ष आया, ऐसा समझ के हरस उठ के गई, और इसलिए प्रभु की मुद्रिका, प्रभु की पहचान जीव के लिए हर्ष का ही कारण है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, कितना हर्ष हुआ था जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हजारों करोड़ों को हर्ष। जब राम जन्म हुआ है ना, तो कहते हैं चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। तो सुख का मूल है भगवान का। तो जैसे ही उनकी मुद्रिका गिरी है जमीन पे, वैसे ही हर्ष ही उठ कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अत सुंदर। मुद्रिका की मुख्य बात क्या है, उसमें राम नाम है। चकित चितव, नयन जो है चकित हो गए। मुद्री पहचानी, मुद्री पहचान ली। पर हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सकाय अजय रघुराई, माया से अस रच नहीं जाई। अजय को जीत कोई ला नहीं सकता, माया से इसकी रचना हो नहीं सकती, इसीलिए चकित। हरस जो है मुद्रिका की वजह से संकेत मिला, विषाद जो पहले से ही था और अब भागने ही वाला है। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले वो हनुमाना। जब तक वो ज्यादा विचार करे तब तक ये मधुर वचन, क्या मधुर वचन, राम कथा कहने लगे। राम चंद्र गुण बरने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अब ये दुख चाह विषाद जो था ये भाग खड़ा हुआ। राम कथा सुनने से किसी का भी विषाद भाग खड़ा होगा, ये चरितार्थ हो गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, कान से और मन से लगा के सुनने लगी। आधे उते सब कथा सुनाई, शुरू से लेके आखिर तक अब तक सारी कथा सुना दी। इसलिए हमारे सिय सोच हरन रव बाल बरंतन, सिय के सोच हरने वाले बजरंगबली कथा सुनाकर शो करते हैं। पहले विभीषण को सुनाई और अब सीता को सुनाई। और ये मामूली शोक नहीं है, ऐसा शोक है जिसका निदान जो है वो तुरंत अग्नि समाधि लेना। इसलिए हम लोग एक बार याद कर लें, सिंधु तरन सिय सोच हरन रवि बाल बरन तन, भुज विशाल मूरत कराल कालौक काल जन। तो बोली सीता जी, श्रवना अमृत जही कथा सुनाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। श्रवण के लिए अमृत जिसने कथा सुनाई वो प्रकट क्यों नहीं होता। आज्ञा मिल गई तब हनुमंत निकट चल गए हो, फिर बैठी मन विस्मय भय, अब भी विस्मय है। ये छोटा सा वानर सिंधु पार करके उसे अंगूठी मिली कैसे,
तुरंत इससे पहले कि ये विस्मय ये आश्चर्य जो है वो परेशान करे, हनुमान जी ने तुरंत कह दिया राम दूत मैं। राम का दूत इसका मतलब राम की शक्ति से चलता हुआ, सिंधु तरयो उनको बनरा, समुद्र पार करके उनकी अंगूठी लाने में सक्षम। तो राम दूत मैं मात जानकी, और माता कहते ही पुत्र को दिए जाने वाले सारे स्नेह और वात्सल्य के अधिकारी हो गए, क्योंकि पुत्र को माता जो है सबसे सही समझती है। राम दूत मैं जातु जानकी, सत्य सपत करुणा निधान की, जो दूसरा शब्द है करुणा निधान। तो करुणा निधान बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि जब सीता ने कीनौ प्रगट न कारण तेही, असकै चरण गहे वै देही, मोर मनोरथ जानौ नीके, बसौ सदा पुरपुर सभी के, तो बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सी प्रसाद सिर धरो, हर्षी गौर हर्ष्य भरो, जय जाहि राचौ मिलै सोवर, सहज सुंदर सावरो। और फिर का करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, जो स्नेह करना जानता है। तो करुणा निधान नाम जो है पार्वती मैया का दिया हुआ है, सीता को जब वरदान दे रही थी। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, बहुत प्रचलित नाम नहीं है, बिरले ही उसका संबोधन उसको संबोधन में लाते थे। और ये जो नाम है इसका अनुभव हनुमान जी को भी है, इसलिए तुरंत पहचान गई। ये पहचान में ये नाम बहुत उपयोगी था। यह मुद्रिका मात मयानी, दीन राम तुम का सह दानी। ये मुद्रिका माता मैं लाया था, राम ने आपको देने के लिए ही दी थी। अब आखिरी प्रश्न पूछा, नर वानर संग कौ कैसे, नर वानर ही संग कौ कैसे, कैसे साथ आए, कही कथा वही संग जैसे। और वो संगत कैसे हुई थी, प्रभु पहचान परे हो गए चरना वाली, सो सुखो उमा जाए नहीं बरना वाली संग है। और ये जो है चरित्र देख के आपको याद आ जाएगा कि संग कैसे हुआ था, ये वाला चरित्र देख के चित्र देख के। कप के वचन स प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। प्रेम से जो वचन सुने तो विश्वास आ गया, और जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु कर दास। अब देखिए जो उद्भव स्थित संहार कारणी माया है, जिसकी भ्रकट के विलास से जो है प्रलय हो सकती है, भ्रकट विलास जास लय होई, राम वाम दिस्तीता सोई, हरजन जान प्रीत अधगाड़ी। हरजन के लिए वो क्या है, प्रीत बढ़ गई, सजल नयन आंख सजल और शरीर पुलकायमान, सजल नयन पुलकावलवाड़ी। ये वही सीता है जिसमें प्रकट विलास जासलय होई करने की शक्ति है, राम वाम द सीता सोई वाली। भौं टेढ़े होते ही प्रलय हो जाए, पर हरजन को देख के सजल नयन और पुलकायमान तन, माँ को बेटे को देखने पश्चात उमड़ता पूरा का पूरा वात्सल्य। बूढ़त विरह जलद हनुमाना, डूबती हुई विरह सागर में, भयो तात मोह को जल जाना, हे तात तू मेरे लिए जहाज के समान, जलजान के समान हो गया। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। अब कुशल कहना मैं बलिहारी जाती हूं, कुशल कहे अनुज सहित खरारी की खर आरी की कुशल कह दे। इसके आगे चलेंगे कि कुशल कैसे कही। जय श्री राम।